हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके क्रिएटिविटी एंड रेसिपी। चलिए आज का वीडियो देखते हैं। यहाँ पर मैंने पुरानी साड़ी ली है, इसी का इस्तेमाल करके आज हम बहुत ही सुंदर डोरमैट बनाने वाली हैं। इसके लिए मैंने पुरानी जीन्स का कपड़ा लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मेजरमेंट, देखिए इसका मेजरमेंट यहाँ से है ये 13 इंच और यहाँ से लिया है मैंने 18 इंच। आप इसको कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। और इसके लिए हम लाइनिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि जिसका कपड़ा बहुत ही थिक होता है, हम साड़ी के ही 2-3 लेयर्स कट कर देंगे। इस तरीके से साड़ी से हमें 3 लेयर्स कट करनी है। उसे पैंट पीस को हमें ऊपर रखते हैं, इसके चारों तरफ कटिंग करके हमें 3 पीस रेडी करने हैं। देखिए यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है मैंने, यहाँ पर मैंने 3 पीस लिए। आप चाहे तो अब नीचे हमें पैंट पीस रखना है लाइनिंग के लिए, ऊपर हमें जो हमने साड़ी से कट करके लिए थे 3 पीस, इसे रखते हुए सेट करना है कपड़े को। आपको लग रहा है थोड़ा पतला हो रहा था, आप 1-2 लेयर और कट करके लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जींस पैंट का इस्तेमाल किया है तो वो कपड़ा बहुत ही थिक है, इसलिए मैंने 3 लेयर्स ही लिए हैं। इस तरह से सेट करते हुए इसके हमें चारों तरफ किनारे में सिलाई करके लेना है। देखिए यहाँ पर हमें कपड़े को इस तरह से पकड़ते हुए इसकी सिलाई कर लेनी है। आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें कपड़े को अच्छे से बराबर रखते हुए सिलाई कर लेनी है ताकि कपड़े में झोल ना आए। इस तरीके से हमें सुई का अंदर ही रखते हुए कपड़े को लेना है इस तरफ से और सिलाई करके लेनी है। आपके पास जो भी पुराने कपड़े हैं उसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही सुंदर डोरमैट्स बना सकते हैं। पुरानी साड़ी, बेडशीट, कुछ भी नाइटी पैंट पड़ी हो तो इसका इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर आप DIY बना सकते हैं घर के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से उसके चारों कॉर्नर पे सिलाई कर ली है। अब इससे साइड में देख सकते हैं आप, जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल देना है साइड से। देखिए इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा है साइड से उसे आप कट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने चारों तरफ सिलाई कर ली है। अब इसे हमें इसके सेंटर्स में से हमें थोड़ा थोड़ा 1-1 इंच जितना गैप देखें इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है ताकि सिलाई करने में आसानी हो जाए। इस तरीके से आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं इसमें। मैंने सिंपल सी डिज़ाइन बनाई है यहाँ पर इस तरीके से। फिर से हमें अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए गैप देते हैं, लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। आप चाहे तो इसमें सर्कल भी बना सकते हैं, नहीं तो सीधे लाइनें भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने हल्की सी डिज़ाइन बनाई है। इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करना है ताकि सिलाई करने में आसानी हो जाए और इधर उधर सिलाई ना आ जाए। इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसी लाइन के ऊपर हमें सिलाई करके लेना है इस तरीके से। देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई करके ले ली है, आप देख सकते हो नज़दीक से बहुत ही थिक बना है सिलाई करने के बाद, आप देख सकते हैं। अब इसे हमें पाइपिंग लगानी है। यहाँ पर आप चाहे तो सेम कपड़े से पाइपिंग लगा सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कपड़ा लिया है तो इसमें पाइपिंग बहुत अच्छी लगती है, दिखती है पाइपिंग डिफरेंट लगाएंगे तो।
यहाँ पर देखिए मैंने डिफरेंट ही लिया है पाइपिंग, और इसको उल्टा रखना है और इस तरह से हमें रखते हुए स्ट्रिप को अटैच करना है इस तरफ। इस तरीके से हमें दोनों साइड सेम तरीके से स्ट्रिप को अटैच कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने अटैच कर लिया है। अब इसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमें इसकी पाइपिंग लगानी है, दोनों तरफ सेम तरीके से इस तरीके से पाइपिंग लगानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तीनों तरफ पाइपिंग कर ली है। अब एक साइड से भी बचा है, इस तरफ से भी हमें पाइपिंग करनी है। देखिए इसको भी हमें उल्टा रखते हैं, यहाँ पर पाइपिंग करनी है। दोनों साइड से कपड़े को हमें थोड़ा सा अंदर मोड़ना है ताकि ये दोनों कॉर्नर इस तरीके से फिनिश हो जाए। यहाँ पर इस तरह से हमें थोड़ा कपड़े को अंदर मोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई करनी है। इसे भी सेम तरीके से पाइपिंग करके फिनिश करना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके चारों कॉर्नर को अच्छे से पाइपिंग से फिनिश कर लिया है। तो आपका डोरमेट बिल्कुल ईजी तरीके से तैयार हो चुका है फ्रेंड्स, ना कोई ज़्यादा झंझट के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।